एक गांव में रमेश, बबीता और उनकी बेटी मीना रहती थी। रमेश की दूसरी शादी होने के कारण बबीता मीना की सौतेली माँ थी। रमेश जैसे घर से बाहर जाए वैसे ही बबीता मीना से घर का सारा काम करवाती थी। जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी घर का बाकी काम भी पड़ा है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा काम आप भी कर लो। ओहो हो, बड़ी आई बहाने बनाने वाली, जल्दी काम कर वरना खाना नहीं मिलेगा। बबीता मीना को डरा के रखती थी, अगर अपने पिता को बताया तो बहुत मारूंगी। बबीता रमेश के सामने भोली बनी रहती थी और मीना को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन बबीता खीर बना रही थी। माँ, खीर कब तक बन जाएगी? मुझे खीर बहुत पसंद है। तुम्हें कोई खीर नहीं मिलेगी, जाओ घर का बाकी काम करो। बबीता मीना को डांट के वहां से भगा देती है। मीना बेचारी वहां से चली जाती है। रात को रमेश और बबीता दोनों मिलके खीर खा रहे होते हैं, तभी रमेश कहता है, अरे मीना को भी तो खाना खिला दो, और उसे तो खीर भी बहुत पसंद है। आप मीना की चिंता ना किया करो, मैंने उसे सब खिला के सुला दिया है। बबीता रमेश को झूठ बोल देती है। उधर बेचारी मीना भूखी तड़पती रहती है। अगले दिन बबीता रसोई में जाती है और देखती है कि खीर में छिपकली गिरी होती है। बबीता वो खीर फेंकने ही जा रही होती है कि उसे याद आता है, अरे ये खीर फेंकने से अच्छा है क्यों ना मैं ये खीर मीना को दे दूं? वो खुश भी हो जाएगी और फिर घर का सारा काम भी करेगी। अरे ओ महारानी, बड़ी रात से खीर खीर चिल्ला रही थी, ले भर ले अपना पेट। सच में माँ, ये खीर मेरे लिए है। बबीता वो खीर मीना को दे देती है। मीना खीर को देखकर खुश हो जाती है। मीना को भूख भी लगी थी तो मीना ने वो सारी खीर खा ली। वो खीर खाते खाते ही मीना की मौत हो जाती है। बबीता ये सब देखकर डर जाती है और किसी को पता न चले इसीलिए मीना की मौत पर बड़ा दुख जताती है। सब्र रखो मीना की माँ, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिन बाद रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बबीता दरवाजे पे जाती है। मुझे खीर खानी है, मुझे खीर दो। बबीता ये सब देखकर डर जाती है और अंदर भाग जाती है। अंदर जाके बबीता सोचती है, शायद ये मेरा वहम है। अगले दिन बबीता कुछ काम कर रही होती है, तभी वो देखती है, तुम खीर बहुत अच्छी बनाती हो, मुझे भी खीर खिलाओ। बबीता जोर से चिल्लाती है, तभी वहां रमेश आ जाता है। क्या हुआ मीना की माँ, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ एक चुड़ैल आई थी, मुझसे खीर मांग रही थी। तुम्हें वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन बबीता अपनी बातों पर अड़ी रही। रमेश बबीता की ये हालत देखकर घर में बाबा को ले आते हैं और बाबा घर में चारों ओर देखते हैं। क्या इस घर में किसी की अनचाही मौत हुई है? हाँ बाबा, मेरी बेटी मीना की, पर अनचाही मतलब कि वो अपनी मौत नहीं मरी। ये सुनकर बबीता घबरा जाती है और कांपने लगती है। वो चुड़ैल तुम्हें बार बार दिखती है, क्या कहती है वो तुमसे? खीर मांगती है बाबा। एक काम करो, रसोई में जाओ और बढ़िया सी खीर बना के लाओ। बाबा के कहने पर बबीता एक कटोरे में खीर बना के लाती है।
बाबा उस खीर को घर के बीचों बीच रख देते हैं और उसके चारों ओर एक गोला बना देते हैं। उसके बाद बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां वो चुड़ैल आ जाती है और खीर की ओर देखे जाती है। खीर 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 चाहिए मुझे, खीर चाहिए। ये खीर तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ये बताओगी कि तुमने इस औरत को क्यों परेशान किया हुआ है। मैंने इसे परेशान नहीं किया, मैंने तो बस इससे खीर मांगी थी। मैं पूरा दिन भूखी थी लेकिन इसने मुझे खीर नहीं दी, और जब इसने मुझे अगले दिन खीर दी तो उसे खाते ही मैं तड़प तड़प के मर गई। ये सब क्या बोल रही हो, ये तुमको तुम्हारी बीवी बताएगी। मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता ये क्या बोल रही है। ए, तुझे सब पता है। वो खीर में छिपकली गिर गई थी इसीलिए वो खीर मैंने मीना को दे दी थी। तू मुझसे रोज जानवरों की तरह काम करवाती और पूरा दिन भूखी रखती, तुमने मुझे मार डाला। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अब तुम्हारी भूल सुधारने का एक ही तरीका है, हर अमावस्या की रात को तुम्हें इस चुड़ैल के लिए खीर रखनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये चुड़ैल तुम्हें परेशान करती रहेगी। फिर बबीता हर अमावस्या को छत पर खीर बना के रखती, जिसे चुड़ैल बड़े चाव से खाती, और फिर कभी वो अपनी माँ को परेशान नहीं करती।